ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की पत्रकारिता आप निभा रही है वो बहुत ही सराहनीय है, और खास करके उस समय पर जब शासन और प्रशासन, मीडिया ही नहीं सारे ऑपोजिशन लीडर्स की आवाज बंद करने की कोशिश कर रहा है। कल जिस तरीके का माहौल बना और आज जो हम आप लोगों के साथ लिख रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। फिर से जताता है कि जिस तरीके का ये पूरा प्रशासन चल रहा है और शासन चल रहा है उसमें ना प्रजातंत्र का ध्यान है, ना हमारी महिलाओं की आवाज बुलंद करना या उनको इंसाफ देना। परिवारों को भी बंधक बना दिया है, उनके मोबाइल खींच लिए गए हैं। क्या जताता है कि आप हर तरीके से उनकी इंसाफ की जो लड़ाई है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी आवाज बनकर इस मामले में प्रियंका जी आप भी देख रही होंगी, इस मामले में आप भी देख रही होंगी कि हर स्तर पर अलग अलग बयान आ रहे हैं। जिले के जितने अधिकारी है वो अलग बयान देते हैं, पुलिस वाले अलग बयान देते हैं, लेकिन घूम फिर कर बात आ जाती है ऊपर से ऑर्डर है। एबीपी न्यूज पूछता पूछता थक गया। हालांकि मैं ये कहूंगी हम थके नहीं, हम सवाल पूछते रहेंगे। ये ऊपर वाला है कौन जो मीडिया को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको उसका काम करने से रोक रही है। जब मैंने कैमरा ऑन किया, पीड़ित के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी मैम, 100 मीटर दूरी का फासला इन्होंने तय नहीं करने दिया, कैमरा की लाइव फीड हटा ली। वही तो दिखाता है कि इसमें ये बात नहीं है कि प्रशासन शासन से अलग है। प्रशासन और शासन मिलकर सबकी आवाज खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़िता के परिवार से लेकर आज जो प्रजातंत्र के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जो इनको अधिकार दिया गया है आवाज बनकर उठे, मीडिया है जो चौथा स्तंभ आपने कहा कहलाया जाता है, उनकी भी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि न महिलाओं को उनका सही तरीके से सुरक्षा मिल सकती, ना जो अपराधी है उस सजा, क्योंकि उनको पूरा समर्थन शासन और प्रशासन का मिला है। हजारों वीडियोस बाहर सामने आए हैं जब डीएम उनके परिवारों को धमकी दे रहे हैं। ये किस हिम्मत से धमकी दी जा रही है वो आप सबके बीच में साझा है और सच्चाई सामने। वो वीडियो मैं सामने लेकर आई थी प्रियंका जी एबीपी न्यूज पर, सबसे पहले वो वीडियो मैंने पहुंचाया था और एबीपी न्यूज ने उसको प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से परिवार जो आरोप अब तक लगा रहा था उसका सबूत भी परिवार ने दिया, क्योंकि वो जानता था शायद ये कहा जाए कि परिवार झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि शुरुआत से परिवार को ही झूठा बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन फिर भी डीएम पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रियंका जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगी क्योंकि पत्रकारिता जो इस समय पे जो आप कर रहे हैं वो आने वाले देश की जनता को देगा, दवाही देगा कि मीडिया अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रही है और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रही है जिस तरीके से शासन और प्रशासन कर रहे हैं। आज अगर डीएम को पूरी सहायता मिल रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों का ये मिलजुल कर कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे आप लोग उनकी आवाज खत्म करना चाह रहे हैं जो इंसाफ की लड़ाई और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी लगातार मुझे कोशिश करूंगी कि मैं और भी लोगों से बात कर सकूं, लेकिन प्रियंका जी मेरा एक सवाल नेता होने से पहले, आप एक महिला हैं, इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक विक्टिम जो कि डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए ये कहते कहते चले गई कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और जिस तरीके से यहाँ पर जो कानून के रखवाले खुद को कहते हैं कि रेप की तो पुष्टि रिपोर्ट पे नहीं हुई, ये क्या दिखाता है, ये कौन सी मानसिकता दिखाता है प्रियंका जी? ये मानसिकता वो दिखाता है कि आप लोगों को ना महिलाओं का सम्मान है, ना महिलाओं को आवाज देने की, ये कि राजनीति के लिए आप महिलाओं से वोट पा सकते हैं पर जब जिम्मेदारी आती है आप वही महिलाओं को बंदी बनाकर उनको चुराने की कोशिश कराते हैं। पहले उस गैंग रेप को आप फेक न्यूज बताते हैं, फिर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको लेकर, उसका हवाला देकर कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है पीड़िता के साथ, परिवार अपनी दुहाई दे रहा है, इंसाफ की दुहाई मांग रहा है, और आप उसमें भी नाकामयाब होते हैं। आप मीडिया को रोक लेंगे, सेक्शन 140 को लगा देंगे, आप विपक्षी दलों के नेताओं को रोक लेंगे, ये कहाँ का प्रजातंत्र है, ये कहाँ के असूल है? वो दिखाता है कि ना आपके सरकार में सत्य है, ना तथ्य है, ना इंसाफ को लेकर कोई पूरा करने की मंशा है। जब एक बेटी के साथ रेप होता है प्रियंका जी, आपको नहीं लगता राजनीतिक दलों को इस तमाम राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस मामले पर बात करने की जरूरत है? देश आजाद हो गया, बेटियां आजाद कब होंगी? मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं के मुद्दों को लेकर हक की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, जो इतने सालों से उनको वंचित रखा गया है,
पार्लियामेंट से लेकर उनको असेंबली तक उनको जगह नहीं मिलती है। आज जिम्मेदारी बनती है उन हर महिलाओं की जिनकी आवाज है उसमें एकजुट होकर आवाज उठाएं। मैं तो बस बार बार यही कहूंगी कि आज हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं वो जाकर यूनाइटेड नेशन में बात करती है कि हम महिलाओं के लिए कितना सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं और उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है। खुद यूपी की सांसद हैं कि इनकी इंसाफ की लड़ाई लड़े। आज हमारी जो सोशल एम्पावरमेंट और जस्टिस की मंत्री है खुद दलित परिवार से आते हैं और दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। आज उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला है कि उस बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाए। तो ये दिखाता है कि राजनीति आप ऊपर रखकर नैतिकता को दूर कर आप जो कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है।